नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली में दंगे के बाद अब किसान नेताओं पर एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली बॉर्डर्स पर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। एक ओर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा है तो दूसरी ओर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर जनता का आक्रोश आंदोलन पर बैठे किसानों के खिलाफ फूट पड़ा है। लोगों ने तिरंगा लेकर मार्च निकाला और आंदोलनकारियों को अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे के अंदर सिंघू बॉर्डर खाली किया जाए, अगर बॉर्डर खाली नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी इस वक्त हलचल तेज हो गई है। पूरी तैयारी के साथ पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इसके अलावा शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसान ही किसानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। स्थानीय किसानों की मांग है कि पिछले 2 महीने से बंद शाहजहांपुर बॉर्डर को फौरन खोला जाए। तो ये 3 अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें और वहां का हाल हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अचानक हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फोर्स को बढ़ा दिया गया है। सुबह से जिस बात का अंदेशा था वो होने ऐसा लग रहा है कि वो हो जाएगा। सुबह से यहाँ पर फोर्स का मूवमेंट कुछ ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, RAF लगाई गई है, सिविल पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। उसके अलावा PSC को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। ये सारी पुलिस फोर्स जो है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस का मूवमेंट धरना स्थल के पास पहुँच चुका है। धरना स्थल को एक तरीके से घेरने की तैयारियाँ चल रही है। किसी भी समय अंदेशा है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फोर्स लगातार धरना स्थल की तरफ को बढ़ रहा है। फोर्स की जो भारी संख्या में फोर्स यहाँ पर है, हाथों में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए, उसके अलावा जो फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार धरना स्थल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस को मूवमेंट करना चाहती है और जबरन यहाँ से इन आंदोलनकारी किसानों को हटाना चाहती है। जुबैर अख्तर, India TV, गाजीपुर। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है, हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे। मेरी सहयोगी अर्चना सिंह इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुकी हैं। अर्चना, लगातार अब गाजीपुर बॉर्डर पर बनी हुई हैं, चाहे बात 26 तारीख की हो या उसके बाद की परिस्थितियां हमने देखी। फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या किसानों की संख्या वहां पर कम हुई है? ज्योत्सना, 65 दिन में आज जो तस्वीर दिख रही वो बिल्कुल अलग है। कल तस्वीर कुछ अलग दिखी थी। 26 तारीख को जो इस आंदोलन ने विभत्स रूप लिया, उसके बाद इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर यहाँ पर, जहाँ किसान 65 दिन से बैठे हुए हैं, यहाँ पर नाम मात्र के किसान रह गए हैं। भारी पुलिस फोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। ये देखिए, ये जो नीले रंग की आप देख रहे हैं, सब टेंट थे, ये सारे टेंट अब खुल गए हैं। RAF की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा PSC पुलिस की भारी टीम, अभी जब हम यहां पहुंचे तो भारी संख्या में यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की तैनाती की गई है। यहां से महज 20 से 25 मीटर दूरी पर वो यूपी गेट चौकी है, वहां पर पूरी फोर्स गई है। ये समझ लीजिए, यहां पर जो तस्वीर है उसको देखकर साफ नजर आ रहा है कि अब बस कुछ ही देर की बात है और यहां पर जो चंद लोग बचे हैं उनको भी यहां से हटाया जाएगा। समझना चाहूंगी कि ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां बीते कल लाइट काट दी गई थी, किसान परेशान थे और हाथों में डंडे, लिटरली डंडे लेकर वो सोए थे। अभी ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में फ्लैग मार्च हो रहा है पुलिस का, पैरामिलिट्री का, तो क्या कोई बड़ी तैयारी की ओर ये इशारा करता है? क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है? ये जो फोर्सेस की तैयारी, इसको देखकर साफ है कि कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन ये जान लीजिए, यहाँ पर जो किसान धरना दे रहे थे वो नहीं है, क्योंकि इन किसानों के आपस में ही फूट पड़ चुकी है। बहुत सारे मानते हैं कि जो कुछ हुआ 26 तारीख को वो बहुत गलत हुआ, उसने इस आंदोलन को एक गलत रूप दिया है। अब लोग उनके समर्थन में नहीं हैं, चंद लोग यहाँ पर बचे हुए हैं। रात में भले ही वो लोग डंडे लाठी लेकर यहाँ पहरेदारी कर रहे हों, लेकिन अभी हम आपको अगर दिखाएंगे
तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो बेहद शांति से बैठे हुए हैं, बड़े लोग हैं वो, और अंदर जाकर यहाँ पर नाम मात्र के लोग आपको नजर आएंगे। लगभग ये पूरा इलाका खाली हो चुका है। यहीं पर राकेश टिकैत का कैंप भी है, जहाँ पर नोटिस चस्पा दिया गया है, पूछा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपने जो वादा किया था, जो नियम मानने की बात कही थी, वो नियम आपने नहीं माने हैं, तो आप पर क्यों ना कार्रवाई की जाए। और ये सब तस्वीर बदली है जब 37 किसान नेता जो थे उनके खिलाफ FIR हुई है, उसके बाद ये आंदोलन लगभग खत्म होने की कगार पर है। आप कह सकती हैं कि ये आंदोलन भटक गया है, अब ये आंदोलन अपने स्वरूप में नहीं है। अर्चना, अगर आपके लिए संभव हो तो हम देखना चाहेंगे कि वो टेंट कहाँ है जिसके बाहर पुलिस ने राकेश टिकैत के लिए एक नोटिस चस्पा किया है, और राकेश टिकैत इस वक्त कहाँ है। ज्योत्सना, वो टेंट यहाँ से अंदर है, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से वो तस्वीरें नहीं दिख पाएंगी। वो टेंट, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इससे अंदर जाकर दाहिने हाथ पर वो टेंट पड़ता है जहाँ पर वो नोटिस चस्पा दिया गया है, और राकेश टिकैत इस वक्त यहाँ पर नहीं है। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ तैनात है। रात में जब बिजली काटी गई तो संकेत साफ थे कि आपने जो करना था कर लिया, किसानों के नाम पे आपने दिल्ली की सड़क पर जो तांडव किया है वो तांडव और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शर्तें तय हुई थी कोई शर्त आपने नहीं मानी, किसी नियम कायदे कानून को आपने नहीं माना। पुलिस ने बेहद संयम का परिचय दिया, लेकिन आप लोगों ने कहीं से भी किसान शब्द का मान नहीं रखा, और पूरी तैयारी यहां हो चुकी है। ये जो सड़क है ये लालकुआं जाती है, यहीं से अभी से महज 10 मिनट पहले भारी संख्या में फोर्स आई है, जो यूपी गेट यहां से चौकी है 20 से 25 मीटर पर। बिल्कुल अर्चना, ये फ्लैग मार्च, ये सारी तैयारियां बड़े एक्शन की तरफ इशारा करती हैं। वहीं मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोनिका, हमने देखा किस तरीके से सिंघू बॉर्डर में किसानों के खिलाफ गांव के लोग खड़े हो गए हैं, अल्टीमेटम तक दे दिया है, फिलहाल वहां क्या स्थिति, क्या तस्वीर? देखिए, ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था ये करीब 12:30-1 बजे के बीच में शुरू हुआ था। कुछ लोग करीब 20 से 30 लोग पहले यहाँ पर पहुंचे और उन लोगों ने किसानों के इस प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जिस तरीके से 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, उसी चीज को वो लोग नहीं सहन कर पाए हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ पर मजबूर हुए प्रदर्शन करने के लिए। वो चाहते हैं कि इस पूरी जगह को अब खाली करवा दिया जाए, ये पूरा प्रदर्शन अब खत्म कर दिया जाए, और इसी के चलते वो लोग यहाँ पर पहुंचे। करीब 1.5 से 2 घंटे वो लोग यहाँ पर रहे, प्रदर्शन किया, और उसके बाद अब ये लोग यहाँ से वापस जा चुके हैं, क्योंकि इनका कहना था कि किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए ये पहुंचे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि किसान नेताओं से सिर्फ 5 लोग जाकर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, वो बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए ये लोग यहाँ से फिलहाल चले गए हैं। और अब जो दिल्ली देहात के तमाम 60 गाँव है वो बैठकर अब आपस में बातचीत करेंगे, पंचायत करेंगे, और उसके बाद फैसला करेंगे कि आखिर आगे उन्हें क्या करना है, और उसके बाद आगे की पूरी रणनीति को तय किया जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ की सिचुएशन दिखाएं तो वो लोग यहाँ तक आकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। ये जो वो जगह है ये पहले मंच और दूसरे मंच के बीच की है। पहला मंच वो है जहाँ पर सत्ताम सिंह पन्नू की अध्यक्षता वाली जो यूनियन है वो प्रदर्शन करती है, उस जगह से लेकर इस जगह के बीच में ये पूरी जगह फिलहाल खाली है। यहाँ पर आमतौर पर ये किसानों का मूवमेंट रहता था, किसान एक मंच से दूसरे मंच तक जाते थे, जो किसान इस तरफ बैठे हैं मंच के वो दूसरी तरफ भी चले जाते थे। इस तरफ आप देखें, ये दूसरा मंच इस तरफ है। फिलहाल इन दोनों मंच के बीच की पूरी जगह को बंद कर दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस फोर्स दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पत्थर के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, इस तरीके के लोहे के यहाँ पर बक्से लगा दिए गए, पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। JCB यहाँ पर पुलिस की तरफ से मंगवाई गई है, और इस JCB की मदद से पूरे यहाँ पर पत्थर के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और इन पूरे बैरिकेड्स को बाकायदा जंजीर से बंद बांधा गया है। और देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, किसी भी तरह की कोई माहौल ना बिगड़े इसी के लिए यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस यहाँ पर तक वो लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, पुलिस फोर्स यहाँ पर भारी संख्या में थी, यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने उन लोगों को समझाया, और फिलहाल वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। उनका कहना है कि भारी संख्या में कंटेनर्स नजर आ रहे हैं, वहां पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक से रास्ता बंद करने की कोशिश की गई है। सिर्फ सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ही बवाल नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ ऐसी ही तस्वीर शाहजहांपुर
बॉर्डर से भी सामने आ रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को हट जाने के लिए कह रहे हैं। नाराज लोगों का कहना है कि ये किसान के भेष में नकली लोग हैं, इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है। किसान बॉर्डर पर पिछले दो महीने से किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में जो हुआ उसको लेकर यहाँ आसपास के जो किसान हैं, 30 से 35 जो किसान हैं, वो खासे नाराज हैं। और अब ये जो किसान हैं, ये एक भीड़ की शक्ल में यहाँ बॉर्डर पे पहुंच गए हैं जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, और ये इनको हटाने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहा जा सकता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जयसिंहपुर खेड़ा से हैं। आप प्रधान जी क्या करने आए हैं आप लोग? हम तो इन लोगों यही करने आए हैं, हरियाणा सरकार को भी वे बैरिकेड हटा दो, ये लोग जहाँ जाना चाहते हैं जाने। हम पब्लिक परेशान, खेत जमींदार के खेत है, ये अंबानी अडानी का कोई लेना देना नहीं है। किराए का है, टट्टू बैठे हैं यहाँ पर किराए के टट्टू, ये अंबानी अडानी चलाएगा क्या? इन खेतों कौन साफ करेगा? फ्री में खा रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, जमींदार है क्या? वो जमींदार है, ये भी लाल किले में हुआ हुआ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, हमारे देश का अपमान किया है, छवि खराब कर दी उन्होंने हमारे देश की। किराए का कैसे बताओ, कितनी परेशानी है हम लोगों को, विदेशों से पैसा ले लेगा, क्या प्रशासन कर रहा है? ये किसान है खासे नाराज है। इनका कहना है कि इनकी जो जिंदगी है वो दुभर हो गई है, ना सिर्फ आसपास इनके जो गांव है उनको नुकसान उठाना पड़ा, इनकी फसलें बर्बाद हुई है, बल्कि जो 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुआ उसको लेकर भी ये किसान खासे आक्रोशित है। इनका कहना है कि अब ये बैरिकेड यहाँ पर हटाने के लिए आए हैं, और ये चाहते हैं कि बैरिकेड हटा दिया जाए ताकि ये जो नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली जयपुर को जोड़ता है, इस नेशनल हाईवे को खाली कराया जा सके। और इस बैरिकेड के दूसरी तरफ जो किसान हैं वो पिछले दो महीने से धरने पर बैठे हैं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, और अब यहाँ के जो किसान हैं और आसपास के जो गांव के लोग हैं उनका जो है धैर्य जवाब दे रहा है, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर ये बैरिकेड हटाने के लिए आए हैं, और अगर प्रशासन नहीं हटाता है तो खुद इन बैरिकेड्स को हटा देंगे। माता की झंडे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में जो हुआ, जिस तरह से तिरंगा झंडे का अपमान हुआ, उसको लेकर लोग खासे नाराज हैं, गुस्से में हैं। और अभी हम हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर शाहजहांपुर में है, और यहाँ पे पिछले दो महीने से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते आसपास के जो 35 गांव के किसान हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये नेशनल हाईवे बंद है, और जिसके चलते जो ट्रैफिक है वो आसपास के गांव से होके गुजर रहा है, जिससे गांव वालों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन पिछले दो महीने से यहाँ के जो आसपास के गांव के किसान थे वो इस परेशानी को झेल रहे थे, लेकिन अब ये इकट्ठे होकर यहाँ पहुँचे हैं, बॉर्डर पे पहुँचे हैं, और ये यहाँ कह रहे हैं कि ये झंडे का अपमान जो हुआ है लाल किले में, उसके बाद सब्र टूट गया है। आप लोग आखिर यहाँ क्यों आए हैं? दो महीने से धरने बैठे हैं, लेकिन आप आज क्यों आए? दो महीने से रोड बंद पड़ा है। 26 तारीख को इन लोगों ने रोड खोलने के लिए कहा था, लेकिन ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, और इन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया ना, ये इलाके की जनता, ये फौजियों का गढ़ है, ये फौजी लोग इसको सहन नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे, मार देंगे, झंडे का अपमान नहीं सहेंगे। तो आज आप लोग आए हो जो झंडे का अपमान है उसको लेकर आप लोग गुस्से में, उसमें भी, और ये नकली किसान है, ये असली किसान नहीं, असली किसान हम है, झंडे का अपमान नहीं सहेंगे, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शाहजहांपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, किसानों से बातचीत भी हमने सुनी, एक बात तो साफ हो गई है कि अब किसान वर्सेस किसान की तस्वीर सामने आ रही है। लगातार जो किसान अब प्रदर्शन कर रहे हैं उन किसानों को हटाने के लिए जो पिछले 65 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। जी, मेरे पीछे जो आप देख रही हैं ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है, और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, लेकिन पिछले दो महीने से जो आंदोलनकारी किसान यहाँ बैठे हैं उसके चलते आसपास के जो 35 से ज़्यादा गांव हैं वहाँ के लोगों की ज़िंदगी दूभर हो गई है, लेकिन वो सारी परेशानियों को सह रहे थे, अपनी फसलों को बर्बाद होते हुए देख रहे थे। लेकिन 26 जनवरी को जो दिल्ली की लाल किले में हुआ तिरंगे का अपमान हुआ, उसके बाद इनका जो सब्र है उसका बांध टूट गया, और ये यहाँ पर इन्होंने एक बैठक की, और उसके बाद जो 35 गाँव के किसान है
यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं बॉर्डर पर, और आमने सामने यानी कि एक तरफ आंदोलनकारी किसान है तो दूसरी तरफ 35 गांव के किसान है, ग्रामीण है, वो बैठे हुए हैं। दोनों तरफ से नारेबाजी की जा रही है और यहाँ के लोगों का कहना है कि अब उनका धैर्य जवाब दे गया है। वो पहले इन किसानों के साथ थे क्योंकि उनको लगा था कि ये किसान है, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद उनका इनसे इनके ऊपर से भरोसा उठ गया है। और हालांकि यहाँ जो गांव वाले थे वो गए थे बैरिकेड्स को हटाने के लिए, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन ने, पैरामिलिट्री फोर्सेज, उन्होंने उसको रोका और पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों ने जाके आंदोलन कर रहे किसानों से इन ग्रामीणों की समस्या को लेकर बातचीत की, बातचीत की और कई जगह जो इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, चाहे रेवाड़ी की बात करें जहां से किसानों को हटा दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया था। बहरहाल आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, अर्चना, गोनिका और आनंद, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।